नमस्कार, आप सभी को फिर से आप लोग के लिए एक नया वीडियो लाए हैं जो कि चार स्पीकर का फिटिंग दिखा रहे हैं। इससे पहले भी वीडियो हम दिखाते थे तो जिसमें अपना वॉयस हम ऐड नहीं करते थे क्योंकि उतना समय नहीं मिल पाता था हमको, जिसके कारण अपना वॉयस नहीं डाल पाते थे। तो बहुत सारे फ्रेंड्स का, फैंस का, कस्टमर का ये रिक्वेस्ट आया कि भैया आप थोड़ा अपना वॉयस भी दीजिए क्योंकि आपका वीडियो अधिकतर लंबा हो जाता है। लंबा इसलिए हो जाता है कि बहुत सारा डीजे का फिटिंग दिखा देते हैं, इसीलिए थोड़ा लंबा हो जाता है। क्योंकि जब बहुत सारा कस्टमर लेके चल जाते हैं तो क्या होता है, उतना समय नहीं मिल पाता है कि जाके वीडियो क्लिप्स बनाएं और उसको फ्री टाइम में उसको एडिट करके यूट्यूब पे डालें। जितना पॉसिबल हो पाता है उतना वीडियो बनाते हैं और फिर आप लोग को दिखाने का कोशिश करते हैं ताकि आपको यहाँ पर विश्वास आपका बना रहे और आप भी वीडियो देखने से आपको भी लगेगा कि यहाँ पर सही सामान मिल रहा है। ऐसे में तो बहुत जगह में सेलिंग होता है तो बाकी जगह के बारे में तो बोल नहीं सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको देखने में मिला है चार पीस 415 का। जो भी सामान यहाँ पर फिट होता है आपको यहाँ पर एक चीज़ मिलता है कि सारा सामान आपको सामने, आपके सामने फिट होता है, फिर सामने टेस्ट भी होगा। यहाँ पर देखिए 415 का फिट हो रहा है स्पीकर, जिसके लिए बढ़िया स्क्रू यूज़ करना पड़ता है ताकि वो वाइब्रेशन के टाइम छोड़े नहीं। यहाँ पर ये फुल्ली वाटरप्रूफ कैबिनेट है, आपको अगर बारिश उरिश में भी भीग जाता है तो इससे कोई कैबिनेट को फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ पर कस्टमर अपना गाड़ी लेके आते हैं, साथ में बहुत सारे लड़के भी आते हैं और उन लोग भी शौक़ रहता है कि चलो डीजे सर्जन भैया के वहाँ जा रहे हैं तो वहाँ देख के भी आएंगे। यहाँ पर वीडियो में दिख रहा है आपको 1000 वाट का एम्पलीफायर, सबसे टॉप में 4000 वाट का एम्पलीफायर जो कि स्टेंजर 4K SPB 4K है। यहाँ पर स्पीकर 1000 वाट का यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पर एक के बाद स्पीकर के साथ जाले भी फिट हो रहा है। इसमें हम लोग एक डिस्ट्रीब्यूटर यूज़ करते हैं जो कि दो, एक या दो मशीन से जब भी ज़्यादा एम्पलीफायर हो जाता है तो उस समय डिस्ट्रीब्यूटर का यूज़ होता है, जिससे कस्टमर को आसानी होता है हर मशीन को कनेक्ट करने में। उसके बाद ये यामा का 10 चैनल का मिक्सर है, आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं MG10XU। अभी इसका नया वर्जन आ चुका है और भी नया रेट में, लगभग दोनों सेम है, सिर्फ कलर का थोड़ा चेंजिंग किया, उसको थोड़ा ब्लैक वर्जन कर दिया है। यहाँ पर जो पार्टी के और दो दोस्त आ गए, थोड़ा सा लेट आए इसीलिए थोड़ा स्माइल कर रहे हैं। यहाँ पर MG10XU को कनेक्शन करते हुए उसके बाद एक एक करके लड़का लोग उठा रहे हैं। 415 को थोड़ा भारी होता है, लगभग 80 से 90 किलो के आसपास हो जाता है कैबिनेट, मतलब स्पीकर लगने के बाद। तो आपको 415 अगर ले रहे हैं तो आपको ध्यान देना होगा कि 4 स्टॉप आपको मिनिमम चाहिए, थोड़ा हट्टा कट्टा। ये जाली लगने के बाद और खूबसूरत दिखता है। क्या होता है ना, जाली मजबूत इसलिए रखना पड़ता है, डिजाइन उतना नहीं देना पड़ता है, क्योंकि जाली मजबूत नहीं रहेगा तो क्या होता है, हम लोग का देहात में सबसे ज़्यादा काम चलता है, जिसके कारण बहुत कोई पीपा के लात उत मार देता है, पत्थर उत्तर मार देता है, तो हम लोग का सामान का नुकसान होने का संभावना ज़्यादा हो जाता है। जिसके लिए हैवी ग्रिल, जो जाली बोलते हैं, वो देना ज़रूरी पड़ जाता है। यहाँ पर देखिए किस तरह से लोड करते हैं, ऐसे गाड़ी में आप लोग भी 415 अगर लोड करते हैं तो आप लोग भी इस तरह से लोड कर सकते हैं, यही सबसे आसान तरीका है। और इस समय कारपेट यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि कारपेट अगर करेंगे तो करीबन 6 महीना 8 महीना साल भर जाते जाते उसका कहानी प्लेन हो जाता है। पेंट बॉडी क्या होता है, स्मूथ होता है, इसमें बढ़िया प्लाई का यूज़ करना पड़ता है।
ताकि कितनों रगड़ाने से उसमें कोई दिक्कत ना हो। इसमें एक और भी खूबी है कि कल दिन अगर आपको लगेगा कि नहीं थोड़ा पुराना दिख रहा है, तो आप पेंट ला के, पेंट का ज़्यादा प्राइस नहीं है, आप ला के फिर से मार दीजिए, फिर से नया हो गया। बार बार आपको कारपेट वारपेट लगाने का झमेला नहीं है। कारपेट बॉडी में क्या होता है कि बारिश वरिश में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, बरसात के समय में ऐसे ही धूप नहीं निकलता है। बाई चांस अगर थोड़ा बहुत भी भीग गया तो वो पानी पकड़ के रख लेता है, फिर आपका 5-10 मिनट के लिए धूप निकलेगा तो आप कहाँ रहेंगे, तुरंत नहीं ना बॉक्स को निकाल सकते हैं, ये दिक्कत हो जाता है। फिर धूल मिट्टी अभीर वगैरह जो फेंकते हैं वो कारपेट पकड़ के रख लेता है, और थोड़ा बहुत अगर फट जाता है ना कारपेट वाला तो बहुत ख़राब दिखता है। यहाँ पर पूरा गोडाउन देख सकते हैं, यहाँ पर लास्ट में जो है उसका ट्यूटर को लोड किया जा रहा है, जो कि दो टुकड़ा में बांटा हुआ है, 8-8 पीस करके ट्यूटर है। एक सिस्टम के लिए ट्यूटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले के ज़माने में क्या होता था कि ओनली स्पीकर, गाना से सिर्फ मतलब था, लेकिन अभी क्या होता है क्वालिटी चाहिए, उसमें भी फ्रेशनेस चाहिए, क्लियरिटी चाहिए, ये चीज़ का ज़्यादा ध्यान दें, जिसके लिए ट्यूटर यूज होता है। आप जिस हिसाब से स्पीकर लगाते हैं उस हिसाब से आपको ट्यूटर भी लगाना होगा। स्पीकर क्या होता है, अभी जैसे ही आप मान लीजिए 2 इंची कोयल से जैसे ही बढ़ गए तो धीरे धीरे बेस निकलने लगता है, आपको झनकार भी चाहिए, छन छन पायल का आवाज़ तो भी चाहिए, क्योंकि स्पीकर में आपका 20% आवाज़ आता है और बाकी जो समझा जाए एवरेज अगर देखा जाए तो 80% जितना म्यूज़िक का इंस्ट्रूमेंटल चीज़ का जितना आवाज़ रहता है वो आपको ट्यूटर से मिलता है। तो इसीलिए ट्यूटर अगर क्लियर किसी का नहीं बजा तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, साउंड सिस्टम भी आपको क्लियर नहीं बजेगा।